नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 82,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 3,021 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 82,741 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 36, अरवल में 24, औरंगाबाद में 45, बांका में 39, बेगूसराय में 171, भागलपुर में 74, भोजपुर में 83, बक्सर में 169, दरभंगा में 45, पूर्वी चंपारण में 141, गया में 92, गोपालगंज में 64, जमुई में 17, जहानाबाद में 97, कैमूर में 21, कटिहार में 14, खगड़िया में 66, किशनगंज में 54, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 61, मुंगेर में 64, मुजफ्फरपुर में 114, नालंदा में 93, नवादा में 18, पटना में 402, पूर्णिया में 67, रोहतास में 87, सहरसा में 96, समस्तीपुर में 116, सारण में 113, शेखपुरा में 70, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 26, सिवान में 56, सुपौल में 67, वैशाली में 149, पश्चिम चंपारण में 108। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 54,139 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 450 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और कोविड-19 को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 और बाढ़ की बढ़ती स्थिति को देखते हुए 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक अणे मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ की पूरी स्थिति से अवगत करवाया गया। इतना ही नहीं, इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फरक्का बराज के गेटों को बेहतर संचालन करने की बात कही है। वहीं गंगा में पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित कराने की भी मांग को उठाया गया है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी आई सामने। बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई परेशानियों को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत बीते दिन बिहार के अलग अलग जिलों के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई है। राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राज्यपाल ने राजभवन के सामने से राहत सामग्री वाली गाड़ियों को रवाना किया है। इस मौके पर पदाधिकारी मौजूद दिखाई दिए। आपको बता दें, बिहार के लगभग 16 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, जहां पर 74 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। बिहार के इस गांव में कोरोना अस्पताल ले जाने के लिए नाव बनी एम्बुलेंस। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच वैशाली जिले में एक अनोखी पहल देखी गई है। बाढ़ प्रभावित जिले में संक्रमित लोगों को कोविड-19 केयर पहुंचाने के लिए एक स्पेशल कोविड-19 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। दरअसल ये कोविड-19 एम्बुलेंस एक नाव है। नाव पर बनी एम्बुलेंस में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है, जिससे मरीजों को राघोपुर से नजदीकी कोविड-19 अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। भागलपुर क्षेत्र में उगने वाले प्रसिद्ध कतरनी चावल को पतंजलि ने बेचने की जताई इच्छा। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध और सुगंधित कतरनी चावल को पतंजलि ने बेचने की इच्छा जाहिर की है। मिल कतरनी चावल को लेकर उत्तराखंड स्थित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को समझौते की पेशकश की है। इसे लेकर BHU के कुलपति ने पतंजलि के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कतरनी चावल की पैदावार भागलपुर, बांका और मुंगेर क्षेत्र में होती है। उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भागलपुरी कतरनी धान उत्पादन संघ के साथ समझौता कर यहाँ के कतरनी चावल को बाजार मुहैया कराने की बात की है। इससे यहाँ के किसानों को भी सही कीमत पर चावल मिल जाएगी और फिर लोगों को कतरनी चावल का असली स्वाद और सुगंध भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने किया जल जीवन हरियाली मुहिम के योजना का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली मुहिम के 1,093 योजनाओं का उद्घाटन किया है। इन योजनाओं पर 638 करोड़ रुपए की लागत खर्च होने की बात भी कही गई है। मेरी जानकारी के अनुसार उद्घाटन किए जाने वाली योजनाओं का सिंचाई और जल संचयन से जुड़ी हुई है। इसमें 88,390 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने कहा है कि एक साल में जल जीवन हरियाली मुहिम के तहत काफी काम हुआ है। इससे जमीन के अंदर के जल स्तर में सुधार हुआ है। हमें इस योजना को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को इसके लिए जागरूक करना होगा। राजधानी पटना में भारी बारिश की जताई गई संभावना। बिहार में कोविड-19 और बाढ़ की वजह से परेशानी लगातार जारी है। वहीं इसी बीच बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी पटना में भी बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 13 अगस्त तक मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पटना के कई इलाकों में रविवार को भी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। सोमवार को भी मौसम सुहाना देखने को मिला था। राजधानी पटना के अलावा समस्तीपुर, सारण और मसरख, पूर्णिया और मधेपुरा में भी ठीक ठाक बारिश देखने को मिली है।
सीबीआई जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बहनों का दर्ज करेगी बयान। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद कई बातों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात करती हुई सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बहनों से भी पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम यह बयान फरीदाबाद में रह रहे उनके पिता और बहनों से लेगी, जहां पर उनके द्वारा दर्ज किए गए मामलों और उनकी और सुशांत के रिश्तों पर सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इस दौरान बिहार पुलिस की तरफ से सौंपे गए सबूत पर सीबीआई जांच शुरू कर सकती है। 14 अगस्त से पटना एम्स के डॉक्टर अपनी मांग को लेकर उतरेंगे सड़कों पर। एम्स के डॉक्टरों ने 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम सरकार के सामने रख दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार डॉक्टरों को राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में तैनात किए जाने के सरकार के फैसले को लेकर के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर आर पार के मूड में आ गए हैं, जिसके लिए 13 अगस्त तक अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया। वहीं 14 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए काम छोड़कर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रबंधन को अपनी पुरानी मांगों को लेकर जल्द से जल्द फैसला सुनाने की बात कही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। अखिलेंद्र मिश्रा तब से सुर्खियों में जब से 1990 में दूरदर्शन के कार्यक्रम चंद्रकांता में क्रूर सिंह का किरदार उन्होंने निभाया था। उसके बाद उन्हें कई सारी अलग अलग सीरियल में काम करने का मौका भी मिला, जहां पर उन्होंने अपने अभिनय का बखूबी प्रमाण पेश किया है। इतना ही नहीं, उन्हें 1999 में सरफरोश में काम करने के लिए भी नवाजा गया था। वहीं 2008 में उन्होंने रामायण सीरियल में रावण का किरदार निभाकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। रामायण, चंद्रकांता, सरफरोश जैसे सीरियल और फिल्मों में किरदार निभाने वाले अखिलेंद्र मिश्रा का जन्म बिहार के सिवान जिले में 28 अक्टूबर 1960 को हुआ था। अखिलेंद्र मिश्रा ने अपने अब तक के करियर में उड़ान, तूफान, जीत जाएंगे हम, दिया और बाती हम, महाभारत, तू मेरा हीरो जैसे कई सीरियल में काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरफरोश, वीरगति, गंगाजल, हलचल, वीर जारा, एक अजनबी, दो दूनी चार, रेडी जैसी फिल्मों में भी काम किया है। बिहार के कई जिले बाढ़ की वजह से कर रहे हैं अंधेरों का सामना। बाढ़ की वजह से आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित है ही, बिजली पर भी साफ तौर पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में पावर ग्रिड में पानी के घुसने की वजह से स्थिति बेकाबू हो गई है, जिसके तहत छपरा के अमनौर में स्थित रसूलपुर पावर ग्रिड में पानी घुस चुका है और गांव और जिले में बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। मिली जानकारी के अनुसार मडौरा, अमनौर, मकेर, भेल्दी, डेरनी, पोझी, नगरा आदि में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब जल्द ही लागू होगा पॉइंट ऑफ डीले नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। बिहार सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी बिहार में जमीन के दाखिला और खारिज के ऑनलाइन होने के बावजूद ऐसे हजारों मामले सामने आ रहे हैं जो काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं। अब ऐसे कर्मियों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नकेल कसने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन मामलों की रोकथाम के लिए पॉइंट ऑफ डीले नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिए जाने पर सोच विचार किया जा रहा है, जिससे अब कर्मी के लिए निर्धारित समय सीमा बिताने के बाद काम नहीं करने पर उसकी सूचना वरीय अधिकारी तक दी जाएगी, जिसके बाद समय सीमा के भीतर काम करने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर सख्ती से पेश आया जाएगा। कृषि मंत्री ने बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का पूरा मुआवजा देने का दिया आश्वासन। बाढ़ के कारण परेशान चल रहे किसानों को राहत की खबर देते हुए कृषि मंत्री ने साफ तौर पर बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों पर पूरा मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिसके तहत बीते दिन विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि बाढ़ से सबसे ज्यादा दरभंगा जिला प्रभावित हुआ है, जहां बाढ़ की वजह से 99 हेक्टेयर फसलों में 83 हेक्टेयर फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल भरे समय में बिहार सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हमारे विभाग द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि बाढ़ का पानी घटने के बाद एक एक प्लॉट का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को चिन्हित किया जाएगा और सभी किसानों को पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाएगा। बिहार के अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर बोले लालू प्रसाद यादव, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार को लेकर जितनी भी दलीलें दी जा रही हैं, मगर अस्पताल की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई भी मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा कर देना रे भाई। लालू प्रसाद के इस ट्वीट के बाद सियासत गर्म हो गई है। राजनेताओं की माने तो लालू प्रसाद ने बिहार के सरकारी अस्पतालों के खस्ता हालात को देखते हुए ट्वीट किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोविड 19 संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री ने की उनके ठीक होने की कामना। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बीते दिन कोविड 19 की चपेट में आ गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि अन्य कारणों से अस्पताल गया था, जहां पर आज कोविड 19 जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि जो लोग भी पिछले एक हफ्ते में मेरे संपर्क में आए वो खुद आइसोलेशन में चले जाए। वहीं राष्ट्रपति के संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। इसके तहत उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेहतर स्वास्थ्य और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
पटना में सब्जी फल विक्रेताओं और ऑटो चालकों की हुई कोविड 19 जांच। राजधानी पटना में सब्जी फल विक्रेताओं और ऑटो चालकों की कोविड 19 जांच करवाई गई है। पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की पहल पर सब्जी मंडियों में विशेष मुहिम चलाकर सब्जी विक्रेताओं और फल विक्रेताओं की जांच का शुभारंभ किया जा चुका है। इसके तहत बीते दिन पटना सदर में सब्जी मंडियों में मुहिम के रूप में चलाया गया था तथा उनका सहज एवं सरल तरीके से जांच किया गया था। पहले चरण में 105 विक्रेताओं की जांच की गई जिसमें से एक भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं 40 ऑटो चालकों की भी जांच करवाई गई जिसमें मात्र एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्माष्टमी के पावन पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में पर्व त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है जो हमारी संस्कृति विरासत एवं विविधता में एकता का प्रतीक है। हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के त्यौहार के रूप में बड़े धूमधाम से पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार लोग मनाते हैं। आप सब लोग घर के अंदर ही पूजा अर्चना करें, आप सभी के सहयोग से ही कोविड 19 से निपटने में सफलता हासिल होगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बाधा डालने वालों से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूछे सवाल। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राजनीति करने वाले और इस पूरे मामले में बाधा डालने वालों के खिलाफ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर दिन कोई नई बाधा डाल रहा है, तब 12 करोड़ बिहार की जनता के साथ कोई न्याय क्या कर पाएगा। शशि थरूर का यह आकलन सही है कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी हो गई है, इसलिए इसे पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। विपक्ष दल लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर राजनीति करते नजर आ रहा है, ऐसे लोग क्या बिहार की जनता के लिए कभी न्याय कर पाएंगे। कांग्रेस की अधूरी तैयारियों से नाराज दिखा आलाकमान। बिहार में विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी देरी से अपने चुनावी तैयारियों की शुरुआत की है, जिसके बाद अब आलाकमान संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि सभी जिलों के प्रभारी नेताओं ने दिया हुआ टास्क अभी तक पूरा नहीं किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आलाकमान ने जिलों में सदस्यता मुहिम से लेकर सही उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वो कई जिलों में पूरा नहीं हो सका है। इसको देखते हुए शक्ति सिंह गोहिल ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का बगावती रवैया एक बार फिर आया सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान कई दिनों से नजर आ रहे हैं, वहीं बीते दिन चिराग पासवान का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला, जिसके तहत विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिहार में कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चिराग ने बड़ा सियासी बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रवेश करने के लिए सभी 243 विधानसभा सीटों पर उतरने के लिए तैयार है। प्रदेश में बाढ़ और कोविड 19 के कहर के बीच बिहार विधानसभा के सवाल पर चिराग पासवान ने फिर कहा कि बिहार में चुनाव कराने का ये वक्त सही नहीं है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाढ़ प्रभावितों की संख्या दिलाई याद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 और साथ ही बाढ़ की चपेट में आए लगभग 75 लाख बिहारवासियों को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन ट्वीट करके कहा है कि बिहार के 75 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं। लगभग 75 लाख आबादी बाढ़ की वजह से अपने घर पर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। 40 लाख प्रवासी श्रमिक बिना काम धंधे के घूम रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लाखों कोविड 19 प्रभावित भगवान भरोसे है। लगभग 7 करोड़ बेरोजगार बैठे हुए हैं। व्यवसायी पूरी तरीके से परेशान है। 15 वर्षीय अमानवीय सुशासन सरकार गहरी नींद में सो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिजन से पूछताछ हुई खत्म। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है, जिसके तहत अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने सभी से पूछताछ कर ली है। कुछ घंटे चली इस पूछताछ के बाद तीनों को बाहर निकलते देखा गया था। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की गई थी। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया के भाई से प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार दोपहर को पूछताछ शुरू की थी, जो कि रविवार सुबह 6:30 बजे खत्म हुई थी। उनसे 18 घंटे तक पूछताछ की गई थी। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने 11वीं में लिया दाखिला। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं में दाखिला लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो नियमित क्लास भी करेंगे। जब राज्य में हमें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, तब कुछ लोगों ने कहा था कि 10वीं पास मंत्री क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि उसी का जवाब दे रहे हैं। पढ़ाई पूरी करेंगे, मंत्रालय को भी देखेंगे, खेती भी करेंगे और जनता का काम भी करेंगे। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, हम पढ़ाई पूरी करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये बढ़िया है कि कम से कम सवाल उठने के बाद मंत्री जी की बुद्धि तो आई और उन्होंने इंटर में दाखिला तो लिया। आईपीएल में धोनी की सफल कप्तानी को लेकर
मुथाया मुरलीधरन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की सफल कप्तानी को लेकर श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथाया मुरलीधरन ने कई बयान जारी किए हैं, जिसके तहत उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की सफलता के कई राज खोले हैं। मुरलीधरन ने धोनी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे गेंदबाज पर भरोसा जताते हैं और उनकी कप्तानी में गेंदबाजी करने की पूरी आजादी मिलती है। आईपीएल के 6 सूत्रों में मुरलीधरन धोनी के नेतृत्व में चेन्नई के लिए खेल रहे थे। वहीं धोनी की कप्तानी में खेलने वाले मुरलीधरन ने बताया कि वैसे कप्तान रहे हैं कि अगर गेंदबाज से गेंद में छक्का भी पड़ता तो वो ताली बजा देते थे। अच्छी गेंद पर अगर अच्छा छक्का लगता है तो धोनी ताली बजाएंगे। वहीं गेंदबाजों को वो बताएंगे कि ये एक अच्छी गेंद है और यही कारण है कि वो इतने सफल कप्तान हैं। WhatsApp पर जल्द ही आने वाला है एक नया फीचर। WhatsApp अपने सभी यूजर के लिए एक नए फीचर को रोल कर रहा है। इसी क्रम में WhatsApp ने अब अपने यूजर के लिए नए फीचर को रोल किया है, जिसके लिए WhatsApp ही अपने 2 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए WhatsApp के माध्यम से आपको अब किसी भी न्यूज़ या कंटेंट को फॉरवर्ड करने से पहले यह जांच करने में मदद मिलेगी कि कहीं वो गलत खबर तो नहीं है। अब सर्च द वेब फीचर रोल किया जा रहा है। WhatsApp यूजर को किसी भी मैसेज की प्रामाणिकता की जाँच करने में अब आसानी होगी, जिसकी घोषणा कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, हरेंद्र चौहान, संतोष ठाकुर, रवि अनवर, दिव्यांशु कुमारी, योगेंद्र कुमार, उदय कुमार, इरशाद अंसारी, संजीत कुमार, सुधीर कुमार, कौशल कुमार, मृत्युंजय कुमार, राकेश वर्मा, मनीष कुमार, शीला कुमारी, गजेंद्र सिंह, पूनम कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 लीग में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।